Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Guys, किसी viewer ने पूछा था कि सर by all means क्या होता है? तो by all means का मतलब क्या होता है? किस situation में use होता है? देखते हैं guys. Guys, by all means के दो मतलब है. तो number one यहाँ मैंने लिखा है, ये number second है. पहला जो मतलब है by all means का वो है कि in any way possible, कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से, यानी कि इन एनी वे पॉसिबल, कोई भी ऐसा रास्ता हो जो पॉसिबल हो, आप उस काम को करेंगे, करने को तैयार हैं, समझ रहे? तो बाय ऑल मींस, हर प्रकार से, जैसे एक सेंटेंस है, यू विल हैव टू डू इट, तुम्हें यह करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट By all means, यानी कि in any way possible, कोई भी रास्ता निकालो, कुछ भी possible हो, हर angle से तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. तो by all means का मतलब है हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, in any way possible, you will have to do this. Okay? एक और देखते हैं. I have to learn English. मुझे अंग्रेजी सीखनी है by all means, means in any way possible. हर प्रकार से, किसी भी तरीके से भाई इंग्लिश आनी चाहिए. एक और, ही वॉन्ट्स टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहता है बाई ऑल मीन्स, यानी कि इन एनी वे पॉसिबल, किसी भी प्रकार से, हर वो प्रकार से जिससे वो अमीर बन सकता है, वो अमीर बनना चाहता है. तो ये तो है बाई ऑल मीन्स का पहला इस्तेमाल. अब बाई ऑल मीन्स का एक और यूज होता है दोस्तों. ये यूज होता है किसी को हम जब कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अवश्य, निसंदेह, यानी कि कोई हमसे परमिशन मांगता है और हम उसे जब अलाउ करते हैं तो अलाउ करते समय भी आप बाय ऑल मींस लगाएंगे, जिसका मतलब है डेफिनेटली की फीलिंग देगा, सर्टेनली की फीलिंग देगा, या ऑफ कोर्स ये वाली फीलिंग देगा. जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि कैन आई स्मोक, क्या मैं स्मोक कर सकता हूं, और आपने बोला बाय ऑल मींस मींस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स स्मोक कर सकते हो, तो ये परमिशन देने के लिए आता है गाइस. किसी ने पूछा कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, आपने बोला बाय ऑल मींस, यानी कि बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. तो ये दो सिचुएशंस आपने देखे बाय ऑल मींस के. एक तो है कि आप किसी भी तरीके से किसी काम को करना चाहते हैं, करेंगे, किया, तो बाय ऑल मींस है. दूसरा है किसी ने आपसे कुछ पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, और आपने बोला व्हाई नॉट, डेफिनेटली, तो आप बाय ऑल मींस बोलेंगे. तो ये दो सिचुएशन है इसके गाइस. तो आज के लिए बस इतना ही. जिन्होंने पूछा था आई होप वो समझ चुके होंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस.